गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज राज एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल राज टेक्निकल एनालिसिस। सो आज का डेट है 12 मार्च 2023। आज हम लोग जिन स्टॉक्स के ऊपर मंथली प्रीव्यू करेंगे वो है अशोक लेलैंड। अगर आप वीडियो मेरे रेगुलरली देख रहे हैं, 145 का फिगर याद होगा आपको, कहा है भाई इंपॉर्टेंट सपोर्टेंट रेजिस्टेंस है। पिछले बार कहा था 145 या 160 पे पहला रेजिस्टेंस वन दिया था, बट अगेन अभी के डेट पे फिर से 145 का इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। मदर सन सुमी 70 के नीचे बाइंग का सजेशन आपको देखिए रेजिस्टेंस वन के ऊपर आ चुका है। इज इट एन अपॉर्चुनिटी और नॉट वॉज माई क्वेश्चन। और आप देखिए मदर सन सुमी कहाँ है, बट क्या यहाँ पे मार्केट के करेक्शन के साथ ये फिर से करेक्ट होने वाला है। और बात करेंगे JSW स्टील, जब ये 52 वीक हाइस के पास पहुंच गया तब भी मैंने आपको कहा था कि डिसिप्लिन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। 700 के नीचे आएगा हम लोग फिर इसमें देखेंगे कहाँ पे बाई करना चाहिए, बट यहाँ पे तो मैं बाई नहीं करूंगा अगर मैं आपकी जगह होता। और आप देखिए 700 के नीचे आपको मिल रहा है JSW स्टील। इसके लिए आपको हमेशा बोलता हूँ वीडियो रेगुलरली देखिए, रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं टिप्स मिलेगा जो आपको स्टॉक एनालिसिस करने में काफी मदद करेगा। साथ में कोई भी कंपनी के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स पे बताइए ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द रिसर्च करके वीडियो बना सकूं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी रेगुलर अपडेट मिलता रहे, बट उसके लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल की USP है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूं और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करता हूं। मेरे चैनल की दूसरी बड़ी USP है कि मैं यहाँ पे हर महीने आप लोगों के लिए मंथली प्रीव्यू भी अपडेटेड कराता हूं। और मेरे मंथली प्रीव्यू अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने काम करते हैं। बात करेंगे अशोक लेलैंड कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ऊपर दिए लिंक पे जरूर देखिए। अशोक लेलैंड मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 3 फरवरी 2023, क्लोजिंग था 153.90, सपोर्ट 1 115, सपोर्ट 2 130, सपोर्ट 3 145, रेजिस्टेंस 1 160, रेजिस्टेंस 2 175, रेजिस्टेंस 3 190 का। अशोक लेलैंड आज के डेट पे 13 मार्च 2023 200 डे EMA पे है, यानी कि ऑन 200 डे EMA है, तो ये अगेन किसी भी डायरेक्शन पे जा सकता है। 145 का लेवल अगर आप पिछले 3-4 महीने में देखेंगे वहीं पे स्टिक होकर रुका हुआ है। 115 पे पहला सपोर्ट है, 130 पे दूसरा सपोर्ट है, 145 तीसरा सपोर्ट, 2 145 रेजिस्टेंस, 160 रेजिस्टेंस 2 और 175 रेजिस्टेंस 3 हाइस। अगर आप इसका देखेंगे 156.25 है, पिछले महीने आपको कहा था रेजिस्टेंस 1 जोन पे है और लोएस्ट है इसका 137.60। मदर सन सुमी कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे जरूर देखिए। मदर सन सुमी का मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 3 फरवरी 2023, क्लोजिंग था 75.90, सपोर्ट 150, सपोर्ट 260, सपोर्ट 370, रेजिस्टेंस 180, रेजिस्टेंस 290, रेजिस्टेंस 300 का। मदर सन सुमी आज के डेट पे 13 मार्च 2023 अभी के जो क्लोजिंग है 200 डे EMA के ऊपर चल रहा है। 60 पे पहला सपोर्ट, 70 पे दूसरा सपोर्ट, 80 पे तीसरा सपोर्ट, 80 है अब इसका रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 290 है, रेजिस्टेंस 300। तो जो लोगों ने 70 के नीचे से बाई किया है, 80 के 80 तक आए तो सेल कीजिए, यानी कि अगर आपने 100 भी लिए तो 1000 रुपये कमा है, 200 लिए तो 2000 रुपये कमा है। 100 शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 200 शेयर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट ए बैड डील। 90 पे रेजिस्टेंस, 200 पे रेजिस्टेंस 3 है, हाई अगर आप इसका देख रहे हैं 84.25 है और इसका इस महीने का जो लोएस्ट है 75.30 है। अच्छी बात यह है कि ये 200 डे EMA के ऊपर चल रहा है। बात करेंगे JSW स्टील कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे जरूर देखिए। JSW स्टील का मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 3 फरवरी 2023, क्लोजिंग था 731.85, सपोर्ट 1600, सपोर्ट 2650, सपोर्ट 3700, रेजिस्टेंस 1700, रेजिस्टेंस 2750, रेजिस्टेंस 3800। JSW स्टील आज के डेट पे 13 मार्च 2023 200 डे EMA के नीचे आ चुका है। 600 पे पहला सपोर्ट, 650 दूसरा सपोर्ट, 700 अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 3 रेजिस्टेंस 1, पिछले महीने भी कहा था रेजिस्टेंस 2750, रेजिस्टेंस 3800। हाईएस्ट अगर आप इसका देखेंगे 737.40 है और इसका इस महीने का जो लोएस्ट है 664 रुपीज पे आ चुका है। 750 का लेवल ऑलमोस्ट था इसके पिछले महीने, तभी भी मैंने आपको कहा था भाई 700 इसका तो आएगा, 700 के नीचे आएगा तब भी हम लोग सोचेंगे कि JSW में फिर से एंट्री कब लें, क्योंकि जो मैं आपको हमेशा सिखा तो बेसिक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए 52 वीक लेवल का। कोई भी स्टॉक हो, भले ही निफ्टी 50 है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट आपको मैं बहुत एग्जांपल दे चुका हूँ, ये अगेन एक एग्जांपल है, करेक्शन आएगा अगर वो 52 वीक हाइस पे, तो अगर आप बाई करेंगे तो फंसेंगे 99%, 1% चांस है कहीं पर वो और ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट हो, बट 99% क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी जो है लॉस होने का है। तो आपको क्या लगता है 99% जहां पे आपके चांसेस नहीं है जितने के ट्रेड में सक्सेस होने के, आपको वो ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आपके ऊपर है, या आपके ऊपर मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे।
अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मैं आपको सपोर्ट करता हूँ सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस देकर, उस तरह आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपके फैमिली फ्रेंड्स पर फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।